तो ये होगा कि सीधी से मध्य प्रदेश सीधी से कोई दल आया है तो मध्य प्रदेश सीधी और उसकी संस्कृति प्रस्तुति में सीखनी चाहिए। अभी एक अराजकता है, कोई कहीं से भी आ जाता है, कोई यहाँ से चल जाता है, कोई यहाँ से फिर पड़ता है, तो ये एक तरह की अराजकता है। उस अराजकता को हमको संयोजित करना है। गांव में ठीक है क्योंकि गांव में हम अपने आनंद अपनी खुशी इसको समारोह करने के लिए सब लोग, क्योंकि हर आदमी कलाकार है, ये नहीं कि कलाकार किसी के सर पे मुकुट लगा हुआ है कि यही कलाकार है, प्रत्येक व्यक्ति कलाकार है। लेकिन जब हम मंच पर प्रस्तुति करते हैं तो उसका एक सुनियोजित तरीका होता है। उन तरीकों को हमारे वरिष्ठ नृत्य संयोजक हमारे साथ आए हैं, जो अभी सारी प्रस्तुतियाँ कल रामपुर में भी देखी, 3 दिनों तक यहाँ भी देखेंगे, और हमारे जो निर्णायक सदस्य हैं वो लोग इस पर निर्णय कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसको परिष्कार किया जाना चाहिए। वो हमें देंगे, उनकी आवश्यकताओं की भी सूची को बना रहे कि इसके पास ड्रेस नहीं है, इसके पास बात ठीक नहीं है, इनकी वेशभूषा में ये किया जा सकता है, तो सारी चीज़ें होंगी। तो एक पूरा ग्रुप एक हम बनाएंगे, गोल जैसे हो गया तो गोल का एक ग्रुप होगा, उस ग्रुप के माध्यम से सारे गोल सीखेंगे। तो ऐसे हर विधा के एक एक कल को हम परिष्कार करेंगे। आगामी महीनों में जब ये निश्चित होगा हम लोग यहीं आके या इन लोगों को कहीं आयोजनों में बाहर बुला के उसके परिष्कार का काम करेंगे। आप सभी कलाकारों का यदि सहयोग होगा तो जरूर हम इसमें सफलता प्राप्त करेंगे और मध्य प्रदेश के सीधी जिले को हम राष्ट्रीय परिदृश्य में भी